संघ प्रचारक पर लोगों ने किया हमला। मथुरा के जिला अस्पताल में इलाज करा रहे आरएसएस के प्रचारक राधेश्याम हैं। कामा के प्रांत महाविद्यालय प्रमुख राधेश्याम साइकिल यात्रा पर ब्रज के लिए निकले थे। ये लोग जैसे ही थाना सदर बाजार क्षेत्र के दामोदरपुरा इलाके में पहुंचे, तभी वहां से गुजर रही एक बाइक सवार की साइकिल से टक्कर हो गई। इसके बाद बाइक सवार और साथियों ने राधेश्याम पर हमला बोल दिया। हमले के बाद हमलावर फरार हो गए। इसके बाद घायल राधेश्याम को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। परीक्षा मुक्त विद्यार्थी दसवीं बारी को ब्रज दर्शन के लिए एक साइकिल यात्रा निकाली, कामा, बरसाना, वृंदावन, मथुरा और फिर रमण रेती होते हुए गोवर्धन जाना था। मथुरा से रमण रेती की तरफ जा रहे थे, तभी दामोदरपुरा रोड पर हमारी जैसे ही यात्रा जा रही थी, साइकिल पर वो पताकाएँ लगी हुई थी। इतनी ही देर में कोई ईश्वरचंद्र निषाद एडवोकेट है, कोई वो हरीश चंद जी निषाद हैं वो मोटरसाइकिल बीच में से ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे। मैंने कहा थोड़ी देर आप रुक जाइए अभी सर, ये यात्रा निकल जाए उसके बाद में बीच में से निकाल लेंगे। वे माने नहीं और उन्होंने बीच में से जैसे ही निकाली तो हमारा एक विद्यार्थी, उसकी साइकिल टकराई और वह गिर गया। विद्यार्थी गिर गया तो फिर मैंने कहा मैंने सर थोड़ी देर रुक जाते तो क्या बिगड़ जाता। उन्होंने कहा ना मेरा मोहल्ला है और मेरा यहाँ गाँव के लिए रास्ता जाता है, मैं तो ऐसे ही निकलूँगा। मैं कि वो तो सही आप निकलोगे, आपका गांव है, लेकिन थोड़ा सा व्यवहारिकता के नाते से रुकते तो ज़्यादा ठीक रहता। बोले आप क्या कर लोगे, आप क्या बिगाड़ लोगे, मैं तो ऐसे ही निकलूँगा, आप कौन होते हो। और इतनी देर में उन्होंने गाली गलौज देना प्रारंभ किया और गाली गलौज देते हुए वो बाहर अपनी मोटरसाइकिल से उतरे। उतरते ही उन्होंने मारने का प्रयत्न किया, गले वाले पकड़ा और सीधा उन्होंने थप्पड़ दिया। प्रतिक्रिया में धीरे धीरे वहाँ से 15-20 जने और इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद में लाठी कुछ और शायद कोई लोहे के ऐसे कुछ हथियार थे उन्हें लेकर उन्होंने सीधा आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया और मारपीट ऐसी हो गई। तो कहीं जबड़े में, सिर में कुछ ज़्यादा चोटें आई हैं, जबड़े में, गर्दन में, कंधे में, हाथ में और बैक पोर्शन में ऐसे कई जगह पर ऐसी चोटें आई हुई हैं। उसके बाद में वहाँ पर कुछ कार्यकर्ता मेरे को यहाँ रेफर कर दिया, हॉस्पिटल में लेके आए। अभी वहाँ पर भी उसने फिर बाद में कहा कि यहाँ से चले जाओ वरना गोली वगैरह चला देंगे और ऐसा करके कुछ ट्रीटमेंट आ रहे हैं। आगे पता चलता है क्या होता है। पुलिस की बात करें तो आपने पुलिस कंप्लेंट की है इसमें? हाँ, पुलिस में कंप्लेंट हो चुकी है, अब कार्रवाई का इंतजार है कितनी देर में कितनी क्या कार्रवाई होगी। वही है कि ब्रज में दर्शन करने के लिए कोई आए, कोई यात्रा के लिए आए चाहे जैसे भी एक दर्शन के लिए, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा व्यवहार वो शायद ठीक नहीं है। और उसमें भी छोटे छोटे विद्यार्थी हैं दसवीं बारहवीं वाले, उनके बीच में और ऐसा झगड़ा और फसाद करना, और उसको हम नम्रता से प्रेम से कह रहे हैं तो ऐसा थोड़ा रास्ता देख क्या दिक्कत है, परंतु ऐसा व्यवहार ये ठीक नहीं लगा। आरएसएस नेता पर हमले की जानकारी मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने दो नामजद सहित चार लोगों के खिलाफ थाना सदर बाजार में मुकदमा दर्ज कराया। आरएसएस नेता राधेश्याम ने बताया कि हम लोग कामा से साइकिल यात्रा पर निकले थे और बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन होते हुए गोकुल पहुंचे। दामोदरपुरा मोड़ पर जैसे ही यात्रा आगे बढ़ने के लिए निकली, हरिश्चंद्र निषाद एडवोकेट अपनी मोटरसाइकिल यात्रा के बीचों बीच से होकर ले जाने का प्रयास करने लगे। इससे एक विद्यार्थी रास्ते में गिर गया तो उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उन्होंने बाइक से उतरकर मेरा गिरेबान पकड़ा और थप्पड़ मारे। पुलिस को कम्प्लेन कर दी गई है, पुलिस क्या कार्रवाई करती है ये पुलिस के ऊपर निर्भर है। फिलहाल आरएसएस नेता राधेश्याम का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहीं राधेश्याम के हमलावरों की तलाश पुलिस कर रही है। देखिए कल सूचना हम लोग के पास आई थी, हमारी इंस्पेक्टर गए थे वहाँ पे मौके पे, हमने प्राइमा पेशी पहले एनसीआर लिखा गया था, मारपीट का मुकदमा लिखा गया है और रात में भी हमने दबिश डाली, शीघ्र ही हम उनको गिरफ्तार करेंगे, कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है मौलाना व्यक्ति को। और चूंकि आपस में कहा सुनी हुई थी तो जाहिर सी बात है कि कोई ये बहुत दूर के नहीं है, लेकिन फिर भी जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई करें।